ओके दोस्तों, सो पिछले वीडियो में हमने पॉन किस तरीके से चलते हैं वो भी देखा, नाइट मतलब घोड़ा किस तरीके से चलता है वो भी हमने देखा कि भाई घोड़ा डाई स्टेप चलता है। अभी बात करेंगे ये बिशप, बिशप मतलब ऊंट। तो चेस में दो बिशप रहते हैं, एक बिशप ब्लैक स्क्वायर में रहता है और दूसरा बिशप व्हाइट स्क्वायर में रहता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक बिशप ब्लैक स्क्वायर में रहता है और दूसरा बिशप व्हाइट स्क्वायर में रहता है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मेरा ब्लैक स्क्वायर बिशप है और ये मेरा व्हाइट स्क्वायर बिशप है, ये मेरा व्हाइट स्क्वायर बिशप है और ये मेरा ब्लैक स्क्वायर बिशप है। अभी बिशप को चलने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये बिशप जो है वो क्रॉस में चलता है और ये जो ब्लैक स्क्वायर का बिशप है वो ब्लैक स्क्वायर में ही जा सकता है और व्हाइट स्क्वायर का जो बिशप है वो व्हाइट स्क्वायर में ही जा सकता है और वो क्रॉस में चलता है, डायगोनल चलता है। तो ये जो बिशप है वो यहाँ से ये किसी भी जगह पे जा सकता है और यहाँ से भी ये किसी भी जगह पे जा सकता है, लेकिन ये बिशप बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये पॉन इसको रोक रहा है, ये पॉन भी इसको रोक रहा है। तो सपोज मैं एक स्टेप यहाँ पे चलता हूँ, दूसरा स्टेप यहाँ पे चलता हूँ, अभी ये बिशप को बाहर निकलने की जगह मिल गई है। तो ये बिशप सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये बिशप सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ। सिमिलरली अभी मुझे ब्लैक स्क्वायर का जो बिशप है उसको बाहर निकालना है, तो मैं ये पॉन या तो फिर ये पॉन, दोनों में से कोई एक पॉन को बाहर निकालूंगा तभी ये ब्लैक स्क्वायर का जो बिशप है वो बाहर निकलेगा। तो ये एक स्टेप चलता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मुझे व्हाइट स्क्वायर का जो बिशप है उसको बाहर निकालना है, यहाँ से मैं एक स्टेप चलता हूँ और ये जो मेरा ब्लैक स्क्वायर का बिशप है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि ये डायगोनली पूरा का पूरा क्रॉस कर सके। ये मेरा व्हाइट स्क्वायर का बिशप है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि ये डायगोनली पूरा का पूरा क्रॉस कर सके। अभी ये जो बिशप है वो मारते भी क्रॉस में ही है। अगर अभी हमारे पास व्हाइट टर्न है तो मैं ये बिशप से ये पॉन मार सकता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी मैं बिशप चलता हूँ यहाँ पे मेरे पास बिशप का सिंबल है। तो ये बिशप यहाँ पे आ गया है। अब ये बिशप ने E5 नाम के पीसीस को खा लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बिशप का सिंबल है, उसने टेक ये क्रॉस मतलब उसने खा लिया है, उसने मार लिया है E5 नाम के पीस को और ये जो बिशप है वो सपोज इसको मारता है। सिमिलरली वाइट की टर्न है, ये जो बिशप है वो इसको मारता है, ये जो बिशप है वो भी इसको मारता है, ये जो बिशप है वो भी इसको मारता है, ये जो बिशप है वो भी इसको मारता है। तो बिशप जो है वो क्रॉस में चलते हैं, डायगोनल में चलते हैं। ब्लैक स्क्वायर का बिशप ब्लैक स्क्वायर में कहीं पर भी जा सकता है डायगोनली। अभी ये बिशप मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, ये यहाँ पे लेके जाऊँगा और बाद में ये यहाँ पे आ सकता है। डायरेक्टली ये बिशप यहाँ पे नहीं आ सकता, वो डायगोनली पहले यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ से इस साइड या तो फिर डायगोनली कहीं पे भी जा सकता है। तो आप सोच सकते हो कि बिशप की बेस्ट लोकेशन कहाँ होनी चाहिए कि जिसको उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर मिल सकता है। बिशप की बेस्ट लोकेशन यहाँ पे होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि ये बिशप यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। सिमिलरली ये बिशप यहाँ पे और ये बिशप यहाँ पे होना चाहिए ताकि ये यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। तो ये था हमारा रूल्स कि बिशप किस तरीके से चेस में खेल सकता है, मतलब किस तरीके से उसका मूव हो सकता है। बिशप हमेशा डायगोनली मूव होते हैं और वो डायगोनल ही सामने वाले पीसेस को अटैक कर सकते हैं।